इसको लगाया है तब लगाया कि भाई डक्टिंग का, वास्तव में डक्टिंग का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि एसी की आवाज से हमारा वो जो ये स्वास्थ्य हमारा खराब हो गया, एसी ये मैडम का स्वास्थ्य हमारा एसी की आवाज से खराब हो गया। यार बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, और इसकी जो टीम है वास्तव में रियल में बहुत ही अल्टीमेट टीम है जो इतना अच्छा काम करती है। उसमें भी लग रहा है कि बहुत अच्छी कूलिंग है, पूरी एकदम अच्छा कूलिंग कर रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं कूलिंग वगैरह में, टीम वगैरह सब एकदम आंटी लगता है। एसी से मेरे घुटने भी खराब हो गए, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया बात, आउटस्टैंडिंग कावा। और पता लगा कि कावा से ही हमारे को ये करवाना चाहिए। सो अगेन एयर कंडीशनिंग वुड बी अ वेरी बैड ऑप्शन फॉर दैट, एंड व्हेन आई गॉट दिस मशीन वर्किंग हियर आई सॉ दैट सच अ फ्रेश एयर इज कमिंग एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। But after the installation of this machine, all the chillers so comfortable and restful. And none of them has got that fear because of that temperature difference which this machine has caused. And the best part is that there are no molds, no fungi, no allergens coming through this machine. And that's the best, the beauty of it is. And another thing which I liked about this machine is that there's hardly any running cost. The electricity bill has tremendously come down. I think this makes a huge sense to install a Kawa machine, especially if you've got a bigger area and you want a good air circulation, you want fresh air coming in. I think this could be a very, very good solution for these areas. So, I would recommend this machine to all these prospective people who are still looking for cooling solutions. So, please, please do just go for a Kawa machine, and I am sure this will be the best solution and you'll remember me for that. Thank you. एसी फलोदी का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री करीब सूटअप होता है, उसके अंदर सारे एसी फेल हो जाते हैं। वो ये कावा का कूलर जो है इट्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, अभी तक 3 साल के अंदर फर्स्ट क्लास चल रहा है, और इतने सारे तो लोग कस्टमर खुश हो गए हमारे, क्योंकि वो जो शुरू होता है एंट्रेंस होते ही उनको, लोगों को सड़क पे चलते हैं ना, उनको भी लगता है कि आपके यहाँ पे ऐसा क्या है जो यहाँ से इतनी ठंडी हवा आ रही है। तो ये सब कावा की देन है, और वही है उन्होंने जो हमने पूरा उनके ऊपर छोड़ा, जो टेक्नोलॉजी काम में ली, जो डिजाइन काम में ली, उससे पूरा का पूरा एरिया ठंडा, मैं खुश हूँ, मेरे कस्टमर खुश है। सर बिजली का बिल तो नहीं के बराबर आता है, घर के अंदर जो दूसरे कूलर चलते हैं उसके बराबर है, और पानी का भी बहुत कम खपत है। स्पेशली ये हाइब्रिड हैं जो ह्यूमिडिटी का सबसे बड़ा लफड़ा है, कि लोग क्या है कि लोकल वाले कूलर लगा के डक्टिंग करा लेते हैं, बहुत सारे लोग डक्टिंग कूलर को मानते हैं भाई ये वही टेक्नोलॉजी। मैंने उनको दसियों लोगों को समझा दिया है कि ये हाइब्रिड कूलर है, ये पैकेज कूलर, ये एक बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बिल्कुल रहती नहीं है। मेरा तो किराना का सामान है, इतनी सारी स्टेशनरी जैसी चीज़ें उसके अंदर, और फूड प्रोडक्ट रखता हूँ, उसके अंदर भी कोई भी ह्यूमिडिटी की वजह से मेरा कोई आइटम खराब नहीं हुआ, और मुझे एक इतना बढ़िया बेहतरीन प्रोडक्ट दिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। रिगार्डिंग दिस कावा कूलर, लाइक वी गॉट इट इंस्टॉल्ड लास्ट ईयर, एंड इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड एवर इन माय हाउस, because as comparatively to other coolers, वो थोड़ा हैवी फ्लो एयर का आता है, एंड इट इज़ लाइक नॉट गुड ऑल्सो, इट्स नॉट हेल्दी। बट जब से ये कावा कूलर्स हमने इंस्टॉल करवाया है और हम यूज़ कर रहे हैं सिंस लास्ट ईयर, तो बहुत ही अच्छा होमली एनवायरमेंट और अच्छा लगता है, अभी फील फ्रेश। कूलिंग तो अच्छी है, पहले जो यहाँ पे बहुत ही धूप गर्मी थी, ये कावा की सिस्टम लगाने से अभी हवा का फ्लो रहता है, कूलिंग रहती है, सिर्फ थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, पानी का कूलिंग का वगैरह, लेकिन कंपनी की सर्विस अच्छी है। तो कावा लगवाने के बाद एक तो नॉइस बिल्कुल जीरो हो गई, साउंड बिल्कुल भी नहीं है, नॉइसलेस, बिल्कुल नॉइसलेस एसी की तरह चलता है, और कूलिंग एफिशिएंसी 90-95% है। इवन कई बार रात को हमको स्पीड कम करनी पड़ती है, चादर ओढ़ना पड़ता है, कई बार बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और बंद करना पड़ता है इवन कूलर को, इतनी ज़्यादा ठंडक हो जाती है। मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ कावा टॉर्नेडो जो मेरे यहाँ लगा हुआ है, उसमें कूलिंग बहुत बढ़िया है इसकी, एसी भी इतना अच्छा नहीं रहता जितनी इसकी कूलिंग अच्छी है। इवन तो बारिश के टाइम भी काफ़ी सही थी कूलिंग, रात को तो उड़ के हमें सोना पड़ता है, इतना अच्छा हो गया है अब तो, और काफ़ी सही है, बाहर तक कूलिंग जाती है, पूरा घर कवर हो गया है हमारा, तो अच्छा प्रोडक्ट है आपका। गर्मी में गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है, घर में गर्मी का एहसास नहीं होता है, घर में बिल भी काफी कम हो गया और कूलिंग भी काफी अच्छी हो गई। थैंक यू सर, तो आपने हमें इतनी अच्छी कूलिंग वाला प्रोडक्ट दिया है। कूलर बहुत अच्छा, नो डाउट, एयर वगैरह, हां कूलर बहुत अच्छा, थैंक यू सर। के लिए कोई कंप्लेंट नहीं आया दिस ईयर, आई थिंक इट्स वर्क वेरी वेल बिकॉज़ आवर कंसल्टेशंस डोंट इवन हैव एनी एसी, वी आर प्रीटी हैप्पी विद द कूलर।
Okay. The hall is very big, so but I think still it cools it pretty well. Okay. And what about the noise level in all? Oh, there's no noise. Yeah, looks at all. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। एक तो ये सूर्य नगरी है, ऊपर से गर्मी, सूर्य ऐसा लगता है कि बस सर पे ही खड़ा है हमारे, काफी गर्मी नहीं हो इतनी ज्यादा, हीट हमें बिल्कुल फील नहीं होता है उसमें, बहुत और रात को काफी इजी ऐसा लगता है कि एसी जैसा लगता है फील, बिल्कुल भी गर्मी नहीं। बारिश के टाइम में तो बहुत गजब चलता है, सीरियसली एसी हो जाता है। मेंटेनेंस बिल्कुल बहुत अच्छी है, कॉल करते हैं या उस टाइम आ जाते हैं या नेक्स्ट डे तो आते ही हैं, और प्रॉपर टाइम टू टाइम आके खुद। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब अभी जो ड्राई मौसम से चल रहा है गर्मी का, yes. तो कंपेयर करेंगे बाहर से तो मतलब 24-23 डिग्री मेंटेन रहता है। wow. ये जो अभी 36 डिग्री जो बाहर का नॉर्मल टेम्परेचर है, yes. मतलब बहुत ऐसा सुकून जैसा होता है कि इतने गर्मी में थोड़ा बहुत अच्छा मालूम। कैसी आ रही है? अच्छी है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल संतुष्ट है। दूसरे ग्राहक भी आते हैं, वो भी बहुत बहुत अच्छी क्विनिंग है, तो आपको सबको भी लगाना चाहिए। ये सिस्टम मतलब ऐसे लगता है जैसे 10 AC का ये एक मतलब एक हिसाब से एक मतलब वो है, बहुत अच्छा सिस्टम है सर ये, और कोई आवाज भी इतनी नहीं आता, मतलब सर इतनी ठंडा हो जाता है, रजा उड़ना पड़ता है। सर बहुत ही बढ़िया मतलब, क्या बात, मजा ही आ गया। मजा आ गया, कसम से मजा आ गया। उदयपुर बैग है और टाइम तक रहती है, कूलिंग वगैरह सिस्टम काफी अच्छा है इसका। पड़ता है क्योंकि कावा कूलर है जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे टेम्परेचर कंट्रोल बेसिस पे, और इसके लेटेस्ट हनी वाले जो फिल्टर है उसकी वजह से कूलिंग कैपेसिटी इसकी बहुत हाई हो जाती है, और जो कि सफिशियंट है, ह्यूमिडिटी भी नहीं है, बहुत सही कंट्रोल है इसमें ह्यूमिडिटी का। लो पावर में ही बिजली का बिल काफ़ी कम आता है, और स्टूडेंट भी सेटिस्फाई है, टीचर भी सेटिस्फाई है, और हम भी सेटिस्फाई है बिजली के बिल को और लो मेंटेनेंस। एक अच्छा प्लांट है, कूलिंग वगैरह इनमें बेहतर है, पहले से बेहतर है, बहुत बेहतर है। इसमें जो टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है। हाँ जी, तो सेंसर के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, हम इसको सर्दियों में काम में ले सकते हैं और गर्मियों में काम में ले सकते हैं। बिल्कुल, ताज है, ओवर कैटेगरी का आपने इस किचन को बना दिया है, सिस्टम लगा है। इसकी हवा कैसी लगती है आपको? सही लगता है, कूलिंग वगैरह बढ़िया, संतुष्ट है आप? कावा इंस्टॉल करने के बाद हम काफी सेटिस्फाइड हैं। पहले एक यूनिट हमने ऑपरेशनल यूज के लिए लगाई थी, और उससे हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट काफी रिड्यूस हुई इन कम्पेरिजन अदर जो हमारे कूलिंग डिवाइसेज होते हैं एसी और कूलिंग सिस्टम से, तो इन कम्पेयर टू उनके सबके ऑपरेशन कॉस्ट काफी रिड्यूस हुई। उसी को देखते हुए हमने और फर्दर दो यूनिट्स इंस्टॉल की। कावा की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है, काफी एक हेल्दी फ्रेश एयर फील होती है, और ह्यूमिडिटी काफी अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं इन कम्पेयर टू अदर कूलिंग। इसका एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट ये भी है कि टेम्परेचर कंट्रोल इससे काफी अच्छा रहता है, जो आउटर टेम्परेचर है, इनर जो रूम टेम्परेचर है वो काफी कम्फर्टेबल रहता है। इसकी कैसी हवा वगैरह कैसी आ रही है आपको? बढ़िया एकदम, अच्छी लग रही है, बढ़िया हवा, बढ़िया कूलिंग वगैरह सब। हाँ, ठंडा कलर के ठंडी हवा आती है, नीचे घूमता है, झुका और अच्छा आता है, संतुष्ट है। एंड आफ्टर द कावा कूलर वी गॉट ए कूलिंग विद लेस ब्रेक डाउन ऑफ द कूलर, एंड देयर इज अ वेरी गुड आफ्टर सेल सर्विस, एंड देयर इज अ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस कावा कूलर आल्सो। दिस गिव लॉट ऑफ help to us that whenever there is a breakdown, there is a repeat person comes from the company and that get repaired, and we don't have any problem with the kawa. हाँ, मैं बिल्कुल और आपको recommend करूँगा कि kawa cooler लगा जाए, जिससे देखते हैं कि maintenance service बहुत अच्छी है, जैसे problem आता है within 2-3 or 4 hours के अंदर person आकर उसको repair कर देता है, और दूसरा है कि इससे power saving बहुत होती है। Hello and Khamagani, मेरा नाम महिपाल है, प्रोफेशनली आई एम अ होटेलियर, आई हैव अ होटल इन माय विलेज। लास्ट ईयर मैंने कावा की मशीन इंस्टॉल करी थी, उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके काफ़ी अच्छे हैं। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कावा इज द बेस्ट। मेरा गांव एक बहुत रिमोट एरिया में आ रखा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यही आती है कि कोई भी घर पर हम चीज़ लेके तो आ जाते हैं, बट उसके सर्विस के लिए जब फ़ोन करते हैं तो वहाँ कोई दूर दूर तक नहीं भटकता। तो सबसे प्लस पॉइंट हमारे कावा का यही है, उनकी सारी चीज़ों को वो बड़े सीरियसली ध्यान में लेके उनकी सर्विसेज को वो फॉलो करते हैं।
राइट फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड मैंने घर पे लगा रखा है कावा। अब मैं किसी फैमिली मेंबर को रिकमेंड करता हूँ तो कम से कम इस चीज़ का मैं स्ट्रांगली एक होल्ड लेके कह सकता हूँ कि हाँ आपके अगर कोई प्रॉब्लम आएगी रिमोट एरिया में तो भी वहाँ पे उस चीज़ की सुनवाई हो जाएगी, ना कि दूसरी कंपनीज की जैसे जो एक बार लगा के फिर उसके बाद में कस्टमर को भूल जाते हैं। तो ये एक चीज़ आपके कावा कंपनी की काफ़ी अच्छी बेनिफिट है, इसका स्ट्रांग पॉइंट है। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप इस चीज़ को इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको उसके मेंटेनेंस को लेके आपको इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये चीज़ लंबी भी चलेगी। तो उसके साथ में इसकी मेंटेनेंस जो भी आएगी उसके लिए आपकी कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करेगी। राजस्थान जैसी गर्मी में और जैसे स्पेशली जैसे जालौर जैसी जगह में अगर कावा अगर इफेक्टिव चल रहा है, उसकी अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में कहीं ये रुकना नहीं चाहिए। आई थिंक आई वुड एडवाइज यू टू ऑलवेज गो फॉर कावा। कैसी कूलिंग महसूस हो रही है आपको इसमें से? एज गुड एज एयर कंडीशनर, कहीं पर किसी का उससे बेटर, उससे बेटर। हाँ, क्योंकि ये नेचुरल और फ्रेश एयर है तो आपको डेफिनेटली उसे। आपने पहले भी ऐसे ही डक्टिंग कूलिंग प्लांट लगा रखा था जिसको हमने हटाया था, नॉर्मल जो ऐसे आते हैं जो फर्स्ट जनरेशन के लोकल कूलर थे आयरन के, तो उसका और इसका कंपैरिजन कोई है या नहीं? उसका से कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है। हाउ फार बेटर यू कंसीडर अगर 1 से 10 के स्केल पे हम माने तो? तो ये आप उसको 9 दे सकते हैं, उसको 1। ग्रेट, कैसा? जैसे आपने ये लगाया उसके बाद आपको कैसी कूलिंग इसकी महसूस हो रही है? बहुत नहीं पड़ती है सर। कितने मिनट बाद में ठंडा करना शुरू कर देते हैं? 5 मिनट बाद ही। अब कैसी कूलिंग आपको मिल रही है? बढ़िया है। रजाई वगैरह ओढ़नी पड़ती है? सर्विसेज भी बढ़िया है। कावा के बारे में आप और लोगों को आप रिकमेंड करना चाहेंगे? जरूर जरूर। थैंक्स अ लॉट सर।